नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दमन है। आप आज की वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से अपना जीमेल का जो पासवर्ड है उसे कैसे चेंज कर सकते हैं। स्टेप्स बहुत ज़्यादा आसान हैं, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैं आपको गाइड करता जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना जीमेल के अकाउंट पे जाना है। आप देख सकते हैं मेरे पास जीमेल खुल गया है, मैं इसका पासवर्ड बदलना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करके आप जौन से मर्जी अकाउंट में लॉगिन हो सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग मैंने जो अकाउंट चुना हुआ है मैं इसी का पासवर्ड बदलना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके यहाँ पे जो तीन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं सर्च मेल ऑप्शन के साथ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको इसके बाद स्क्रोल डाउन करना है। आपके जैसे जाएंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन नजर आने लगेगा। आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना अकाउंट का जो मेल है उसको सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो मेरे पास कई तरह के जीमेल अकाउंट हैं, वो अलग अलग पर्पज़ के लिए हैं। कोई ऑफिस यूज़ के लिए है, कोई जनरल तौर पे यूज़ किया जाता है, कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए है। तो जिसका पासवर्ड बदलना चाहता हूँ मैंने, वो वाला जो है ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं आपके पास नेक्स्ट पेज पे बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सभी ऑप्शन को छोड़कर आपको सबसे टॉप वाला मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। तभी आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट होगे। अभी ये देख सकते हैं मेरी फ़ोटो आ रही है, साथ के साथ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, डाटा पर्सनलाइजेशन आ रहा है, सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है, सिक्योरिटी प्राइवेसी पेटीएम, लेकिन हमने पासवर्ड बदलना है तो हम अभी के लिए सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमसे ये पासवर्ड बदलने के लिए साइन इन करने को कह रहा है। हमारे पास अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो हम साइन इन हमेशा फ़ोन के द्वारा करेंगे। आपके फ़ोन पे कोड आएगा, उस कोड को आप भरोगे तभी आप लॉगिन हो पाएंगे। लेकिन मैंने ये ऑफ़ किया हुआ है। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पासवर्ड जहाँ पे आ रहा है, मैंने इस डेट को बदला था, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नया पेज रिफ्रेश हो रहा है और ये मेरा पासवर्ड मांग रहा है। मैंने जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया है तो ये मेरे से नया पासवर्ड मांगने लगेगा। तो ये कह रहा है कि अपना पासवर्ड नया सेलेक्ट कीजिए जो आपको दूसरे अकाउंट में ना यूज़ किया हो। हमें मिनिमम 8 करेक्टर टाइप करने हैं और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करके चेंज पासवर्ड के बटन पे क्लिक कर देना है। ये एक सबसे आसान तरीका है जीमेल के अकाउंट्स का पासवर्ड बदलने का। ये एक बहुत अच्छा ही रास्ता है। फॉर द टाइमिंग मैं ये पासवर्ड नहीं बदलना चाहता तो मैं यहाँ पे बैक जाऊँगा। तो मैं यहाँ से बैक चला गया हूँ। अभी के लिए इतना ही। रेगुलर इस चैनल के ऊपर जितने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं उनको देखना चाहते हैं या आने वाली जो अपलोड वीडियोज़ हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितनी भी वीडियोस हैं ये वीडियोस हमारी रेगुलर लाइफ की मुश्किल को हल करने वाली हैं। जो हम टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं उन सभी वीडियोस को ऊपर यहाँ पे अपलोड किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।